हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। आज हम बेसन के लड्डू बनाने वाले हैं और इसके लिए पैन है वो मैंने गैस पर रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है। अभी इसके अंदर मैं ये एक कप बेसन लिया है ये डाल दूँगी और ये आधा कप मैंने घी लिया है। तो घी इसके अंदर पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही डालेंगे हम। हमने जो आधा कप घी लिया था उसमें से भी थोड़ा बच गया है। अभी बेसन को हम मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे सेक लेंगे जब तक ये कलर चेंज नहीं हो जाता। अभी बेसन आपको गाढ़ा लग रहा होगा लेकिन जैसे ही ये भुन जाएगा तो ये घी छोड़ देगा, तो इसीलिए हमें पहले ज़्यादा घी नहीं डालना है। फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे ताकि हमारा बेसन है वो अच्छे से भुन जाए, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम पे रखने से हमारा बेसन है वो जल जाएगा और इसका कच्चापन नहीं जाएगा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए बेसन है वो थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा बारीक बेसन नहीं होना चाहिए। बेसन को हमें अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता, वरना हमारे बेसन के अंदर कच्चापन रह जाएगा और कच्चे बेसन की खुशबू इसके अंदर आती रहेगी तो उससे लड्डू हैं उनका टेस्ट नहीं आएगा। अगर घी में बेसन डालने के बाद में गुठलियाँ बन जाती हैं तो आप इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से वो गुठलियाँ पूरी मिटा दें। लड्डू दानेदार कैसे बनाए जाएं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए बेसन का पहले से कलर चेंज हो गया है और बेसन ने घी भी छोड़ दिया है, तो हमारा बेसन है वो लगभग भून चुका है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इससे हमारे बेसन में है वो दाने आ जाएंगे और लड्डू है वो दानेदार बनेंगे। ये देखिए बेसन में दाने आ गए हैं और इसी से हमारे बेसन के लड्डू है वो दानेदार बनेंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालना है। तो अब दूसरे बाउल में हम इसको सिफ्ट कर देंगे वरना ये ज़्यादा सिक जाएगा क्योंकि पैन अभी गर्म है। पैन के अंदर से मैंने बेसन को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है, अब इसके अंदर ये मैंने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो इसमें मैंने काजू बादाम पिस्ता और थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर लिया है वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे एक कप मैंने मोटा वाला बूरा लिया है, बारीक बूरा आता है वो नहीं लिया, डाल देंगे। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। मिक्सर हमारा गर्म हो तो उसके अंदर मीठा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ठंडा होने के बाद ही डालना चाहिए वरना वो पानी छोड़ दे। कप में से थोड़ी सी चीनी हमारी बच गई है, इतना ही मीठा डाला है और ज़्यादा नहीं डालेंगे। दो टेबलस्पून मैंने नारियल बूरा लिया है ये भी इसके अंदर डाल देंगे। नारियल बूरा है वो टोटली ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप डालें वरना स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और अब इसके लड्डू बनाने हम शुरू करते हैं। इस तरीके से बनाकर हम इसको शेप दे देंगे लड्डू की और प्लेट में रख। अभी तो गर्मी के मौसम में हम लड्डू बना रहे हैं तो मिक्सर को गर्म रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर सर्दियों में हम बेसन के लड्डू बनाएं तो मिक्सर को हल्का सा गर्म रखेंगे ताकि लड्डू आसानी से बन जाएं, क्योंकि ठंडा होने के बाद में लड्डू नहीं बन पाते हैं। लड्डू छोटे या बड़े किसी भी साइज़ के आप बना सकते हैं। जब भी बेसन के लड्डू बनाएं कुछ ट्रिक्स और टिप्स को हमें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, तभी हमारे लड्डू हैं वो सही बन पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, मैं बेसन के लड्डू के लिए जो ट्रिक्स और टिप्स हैं वो आपसे मैं शेयर करूंगी। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। ये लीजिए बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, अब इनको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे खरबूजे के बीज लगाकर। तो
तो लीजिए, दानेदार बेसन के लड्डू तैयार हो गए हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो बिल्कुल ध्यान में रखकर आप बेसन के लड्डू बनाएं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमेशा मोटे वाला बेसन ही यूज करें, जिससे हमारे लड्डू हैं वो दानेदार बनेंगे। दूसरी बात ये है कि बेसन के लड्डू में कभी कभी कच्चे बेसन की खुशबू आती रहती है, तो उसका कारण ये है कि हमारा बेसन है वो अच्छे से भून नहीं पाता है, वो कच्चा रह जाता है। तो बेसन को अच्छे से भूने जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाए और वो घी नहीं छोड़ दे, तब तक हमें उसे भूनना है मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे बेसन को बिल्कुल भी ना भूने, वरना बेसन है वो जल जाएगा और लड्डुओं में खराब। बेसन को भूनने के बाद में उसे ठंडा होने दें, गर्म में बिल्कुल भी चीनी नहीं डालनी, उसके ठंडा होने के बाद ही डालें। अगर सर्दी का मौसम है तो हल्का सा गर्म रखें, गर्मियों के मौसम में हमें गर्म रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर ठंडा हो जाता है तो लड्डू बनाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा गर्म रखना जरूर। ज़्यादा गर्म में अगर हम मीठा डालते हैं तो उसका पानी बन जाता है और मिक्सर है वो हम पतला हो जाएगा और लड्डू नहीं बन पाएंगे। अगर आप लड्डू में ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो उनको रोस्ट करके डालें, क्योंकि रोस्ट करने से जो लड्डू का जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो कुछ ट्रिक्स और टिप्स के साथ में हमारे बेसन के लड्डू तैयार हो गए हैं, तो आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।